सलाम नमस्ते सत श्री अकाल गाइस, हम लोग आज एक ऐसे मामले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां पर एक लेडी अपने घर में सफाई कर रही थी और सफाई करने के बाद उसको कुछ दर्द महसूस हुआ और जब उसने पीछे पलट के देखा तब उड़ गए उसके होश और बाकी के पूरे लोगों के, जब उनको ये जानकारी मिली तब वो भी बहुत ही ज्यादा इस वक्त दहशत में है। और आप लोगों को पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है, त्योहारों का मौसम चल रहा है और उस वक्त सफाइयां बहुत ज्यादा चल रही है, तो आपको भी ये न्यूज देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके घर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपको सावधान होना बहुत ही जरूरी है। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हेजे न्यूज में। छत्तीसगढ़ के धमधारी जिले से हमें ये मामला हमारे सामने आया है। आप लोगों को पता ही है कि त्योहार बहुत सारे आ रहे हैं इस मंथ और जब त्योहार आते हैं तब लोग अपने घरों की जम के सफाई करते हैं। उसी तरीके से ये जो महिला थी अपने घर पे बहुत ही जम के सफाई कर रही थी और हर एक कोना साफ सफाई के लिए वो तैयार थी और वो साफ सफाई वहां पे घर पे कर रही थी। अचानक से उसको महसूस हुआ एक दर्द और उसको लगा कि एक चूहे ने उसको काटा है, तब उसने कर दिया उसको इग्नोर। और जब दोबारा से उसको दर्द महसूस हुआ और उसने पीछे पलट के देखा तो डोर के पीछे बैठा था एक सांप जिसने उसको काट लिया था। तब ये चीज देख के वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उसके परिवार वाले वहां पर पहुंचे और उस सांप को वहां से भगा दिया। और जब पता चला कि इसको सांप ने काटा है तब नजदीक की हॉस्पिटल में उसको तभी के तभी लेके गए और जब वहां पे जाके वो एडमिट हुई और जब उसका इलाज चल रहा था, बस इतना ही बदनसीबी थी कि उस औरत को बचाया नहीं जा पाया और वो उस वक्त हॉस्पिटल में ही उसने दम तोड़ दिया। सो गाइस, जिस तरीके से आपको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है बारिश के कारण, और उसी के कारण अगर आप लोगों को इसकी जानकारी होगी कि अगर सांप होते हैं तब उनको बहुत ही ज्यादा गर्म चीजें चाहिए होती है, गर्म जगह चाहिए होती है। इसी तरीके से इस घर में बारिश होने के कारण वो सांप अंदर घुस के आराम से बैठ गया था और इस महिला ने साफ सफाई करते वक्त ध्यान नहीं दिया और इसकी उस वजह से मौत भी हो गई। सो गाइस, जैसे कि त्योहार चल रहे हैं और उस से काफी सारे लोग घरों की सफाइयां कर रहे हैं, तो आप भी इन सब चीजों का ध्यान रखिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कहीं पर भी आप घुस रहे हो और कहीं पर भी आप क्लीनिंग कर रहे हो तो आपको उसका जानकारी रहनी चाहिए कि यहां पर ये सामान है, उसमें आपको सेफ्टी रखनी चाहिए और आपके साथ भी कुछ और लोग रहने चाहिए। क्योंकि अगर आजकल सफाई कर रहे हो तो स्टोर रूम वगैरह में जाते हो, स्टोर रूम काफी टाइम से बंद होता है और उसके अंदर क्या है क्या नहीं है आपको पता नहीं होता, तो आपकी सावधानी आपके हाथ में है। आप हमेशा ही सावधान रहिए इन सब चीजों से। अगर आज की जानकारी आपको जान के अच्छा लगा है तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ एक बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।